पांच दिवसीय राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव का समापन मुख्य अतिथि विधायक मुल्कराज प्रेमी द्वारा किया गया। शिव मंदिर बैसनाथ में पिछले पांच दिनों से चल रहे हवन में पूर्ण आहुति डालने के बाद इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहुंचकर झंडा उतारकर विधिवत मेले का समापन किया गया। विधायक मुल्कराज प्रेमी ने मेले के सफल आयोजन के लिए मेला कमेटी के अध्यक्ष एवं एसडीएम बैसनाथ विकास शुक्ला तथा सहयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अगर मेलों में कुछ कमियां रही होंगी तो उन कमियों को आने वाले वर्ष में दूर किया जाएगा तथा मेले को धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र के विकास को लेकर कहा कि क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें बैसनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कर पर्यटकों के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि उतरोला होली सड़क मार्ग तथा गर्म चश्मे के लिए विख्यात तत्वाणी को सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होंगे। मेले के दौरान विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। इन खेलों के दौरान विजेता खिलाड़ियों को मेला कमेटी द्वारा सम्मानित किया गया। इस मेले में पहली बार महिला दंगल का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए लोगों में काफी उत्साह पाया गया। मेले के समापन के दौरान विधायक मुल्कराज प्रेमी ने स्मारिका तथा कैलेंडर का विमोचन भी किया, जिसमें अनुज आचार्य ने अहम भूमिकाएं निभाई। इस अवसर पर सरकारी व गैर सरकारी गणमान्य लोग उपस्थित रहे। और मैं विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मेरे भी कार्यक्रम कहीं दिल्ली कहीं शिमला आगे बढ़ना है और एक समान विकास जो यहां पर करना है। कल ही मेरे डीसी महोदय से बातचीत हो रही थी कि उन्होंने कहा प्रेमी जी आपका सपना क्या है, तो मैंने कहा कि मेरा कैनाथ के लिए एक ही सपना है कि पर्यटन की दृष्टि से कैनाथ विधानसभा को आगे ले जाना। गंगा घाट इसके सौंदर्यकरण के लिए मैंने एसडीएम महोदय को भी कह दिया है कि अब एक दो दिन में इसकी सारी प्रक्रिया शुरू कर देनी है, आप भी जा सके। और होली तक उतराला होली का जो मार्ग की बात थी, वो मेरी विधानसभा की प्राथमिकता में मैंने उसको आगे रखा है। और मेरे भाई जो कि बनमोर के विधायक हैं जिया लाल जी, उनके भी प्राथमिकता है, तो ये भी बहुत जल्दी काम जो इसकी प्रक्रिया शुरू होगी रहेगी बाबा कांड के लिए भी। और उतराला होली के इस कार्य से होने से नौजवानों को रोजगार मिलेंगे, जिससे हजारों युवाओं जो हमारे एक आज बेरोजगार खुले तौर पर घूम रहे हैं उनको रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे।